Number four, people. Let's check the energy for people born on 4, 13, 22 and 31st. जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 को हुआ है, उनका divine message. So the universe is telling me, let go of your past. Maybe you're holding a lot of past experiences, past memories in your life and you're living in that past energies. This is a time when the universe is telling me that you must let go of your past and start living in this present moment. कहते हैं हम जब अपने इस present moment में जीते हैं तो हम अपना future बहुत अच्छा create कर सकते हैं, लेकिन आप इस present moment में अगर अपने past में जिएंगे तो आप same experiences अपने future में भी लेकर आएंगे. ये पास्ट मेमोरीज, आपके पास एक्सपीरियंसेस आपके रिलेशनशिप से जुड़े हो सकते हैं, आपके हेल्थ से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपकी वेल्थ रियलिटी से हो सकते हैं, आपके जॉब आपके बिजनेस से हो सकते हैं, आपके अपने बारे में भी हो सकते हैं, फैमिलीज को लेकर हो सकते हैं. आपको सब कुछ लेट गो करना होगा ताकि आप अपना कुछ बेस्ट क्रिएट कर सक पाए. जब ये कार्ड आता है तो हम सिंपली कहते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है. चार नंबर लोगों के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो कुछ कर सकते हैं. दैट इज द रीजन द कार्ड इज हियर. यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड टेक एक्शंस एंड लेट गो ऑफ योर पास्ट एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर योरसेल्फ. लेट्स सी द यूनिवर्स आपको एंजल्स के थ्रू क्या कहना चाहता है. सो द यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू नीड टू कनेक्ट टू मदर अर्थ. मदर अर्थ से अगर मैं आपको कनेक्ट करूँ तो मैं एडवाइस आपको ये दूंगी कि आप ग्राउंडिंग करें. मे बी सिट ऑन द ग्राउंड एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ओम, चैंट ओम. सेकेंड वुड बी बेयर फुट वॉक, घास पे नंगे पैर वॉक करें. और जब भी आप वॉक करें जस्ट टेल द यूनिवर्स दैट आई एम लेटिंग गो ऑफ माई पास्ट एंड ब्रिंगिंग इन बेटर फ्यूचर फॉर माई सेल्फ. एंड इफ यू वॉन्ट टू नो मोर लेट अस नो. बाय बाय, गॉड ब्लेस.